श्री केंद्रीय साई सेवा समिति धार्मिक एवं मानव सेवा ट्रस्ट एवं साईलीन सुरेंद्र पाठक की स्मृति में आज 26 दिवसीय पालकी महोत्सव में आज पालकी यात्रा तिलक नगर गली नंबर 8 में समीर जोशी के निवास स्थान से प्रारंभ हुई। आज की पालकी का मुख्य आकर्षण नंदी के साथ शिव एवं राधा कृष्ण जीवंत स्वरूप में दिखे। झांकियों के साथ निकली इस पालकी यात्रा में जयकारों और भजनों के साथ मुख्य आकर्षण नासिक के ढोल रहे। हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा के पर साई भक्तों को श्रीखंड प्रसादी का वितरण भी किया गया। तिलक नगर में साई बाबा की जीवंत कुटिया भी सजाई गई थी। आज तिलक नगर से निकाली गई साई पालकी यात्रा में यात्रा के स्वागत सत्कार के दौरान साई भक्त पंकज डोगरे ब्रह्मलीन सुरेंद्र मोहन पाठक को याद करते हुए भाव विभोर हो गए। संस्था के अध्यक्ष गौतम पाठक ने बताया कि दिनांक 11 अप्रैल गुरुवार को खालसा स्टेडियम में होने वाली भव्य भजन संध्या में साई भक्तगण सुप्रसिद्ध सूफी साई भजन गायक हमसर हयात निजामी और अधर हयात निजामी के भजनों का आनंद ले सकेंगे। साथ ही रामनवमी के दिन 13 अप्रैल को होने वाली विशाल पालकी यात्रा जो कि शाम 5 बजे से बड़ा गणपति से छत्रीबाग साई मंदिर तक निकाली जाएगी। इस अवसर पर सत्यनारायण पटेल, अर्चना जायसवाल, समिति के सदस्य एडवोकेट विनीता पाठक, सोनिया अतुल शुक्ला, मोहन सिंगर, रवि वर्मा, समीर जोशी, पंकज डोंगरे, पूरब कपूर, रत्नेश पुरी, प्रदीप यादव, लकी वर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे। सर अंकित दुबे जैसे लोग, पूरब कपूर जैसे लोग आज पिछले 6 सालों से निरंतर मेहनत कर रहे हैं, नॉन स्टॉप मेहनत चल रही है और इसी का परिणाम ये है कि गौतम पाठक जैसे अध्यक्ष लोग जब आगे रुकते हैं और इसी का परिणाम ये है कि आज माहौल ऐसा छाई में हो रहा है यहाँ पे। हाँ सर, हाँ सर, ये सर फैमिली रिस्पॉन्सिबल। सभी साई भक्तों को हार्दिक नमन। आपने इस प्रभात फेरी को जो इतना भव्य बनाया, आदरणीय समीर जोशी जी के आज से हमारी निवास स्थान से आज की हमारी प्रभात फेरी थी। आप देखेंगे कि पिछले कई वर्षों से आदरणीय समीर जोशी जी द्वारा तिलक नगर में काफ़ी मेहनत की जा रही है, साईं भक्तों को जोड़ा जा रहा है। जो हमारा मुख्य उद्देश्य है बाबा से अधिक 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 से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ना, वो इनके माध्यम से बखूबी निभाया जा रहा है। क्षेत्र के सभी साईं भक्तों ने आज की प्रभात फेरी में बढ़ चढ़ के भाग लिया, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। और हर बार की तरह जो हम आपको हमारे मुख्य कार्यक्रम की जानकारी देते हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए 11 तारीख को शाम 6 बजे हमसर हयात अली साहब की भजन संध्या खालसा स्टेडियम में एवं 13 तारीख शनिवार शाम 5 बजे भव्य साई पालकी यात्रा बड़ा गणपति चौराहे से आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। ओम साई राम। गौतम पाठक, केंद्रीय साई सेवा समिति। थैंक यू। यात्रा की तैयारियां तो कई दिनों से चलती रहती है पर विशेषकर कल रात से बहुत ज़्यादा तैयारियां शुरू हो गई थी और ये सब हमारे दादा और हमारे गौतम पाठक साहब। देखिए, केंद्रीय साई समिति का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पूरे इंदौर शहर को साईमय बना दिया है और जिस तरह परिवार के सारे लोग आते हैं, एक अच्छा सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक माहौल बनता है। मैं केंद्रीय साई समिति के सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ और बाबा के चरणों में नमन करती हूँ कि हमारा इंदौर शहर बहुत ऊंचे स्तर पर और जाए, स्वस्थ रहे, अच्छा रहे और तरक्की करे सभी इंसानों के प्रेम प्यार खुशहाली के लिए। केंद्रीय समिति द्वारा जो साई पालकी पूरे शहर में निकाली जाती है, मैं सबसे पहले आदरणीय स्वर्गीय सुरेश पाठक जी को मैं नमन करता हूं और उनके द्वारा पूरे शहर में एक केंद्रीय साई समिति द्वारा जिस प्रकार आज तिलक नगर में निकाली जा रही है और हर साल इस प्रकार पूरा साईमय भक्तमय पूरा शहर होता है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। और 11 तारीख को जो भजन संध्या है उसमें भी अधिक से अधिक सब लोग पधारे जो कि स्टेडियम में खालसा कॉलेज में होगा, उसमें अधिक से अधिक शादी पधारे।